गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग वृत्तीय गति के यानी सर्कुलर मोशंस के डेफिनेशंस को देखते हैं। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, When a particle moves in such a way that its distance from fixed point is constant. Is called सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी दूरी किसी फिक्स्ड बिंदु से नियत रहे, नियत हो, तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसकी दूरी किसी फिक्स्ड बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से यदि नियत रहे, तो ऐसे गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये रहा है स्टूडेंट्स हमारा फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट और ये रहा है स्टूडेंट्स फिक्स्ड दूरी। फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग ओ कह रहे हैं। ये जो पाथ निकल के आएगा, इसी पाथ को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे सर्कुलर पाथ। ये पथ जो है, पाथ यानी पथ, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय पथ। ये जो स्टूडेंट्स फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे सेंटर, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र। अब फिक्स्ड डिस्टेंस को स्टूडेंट्स, फिक्स्ड डिस्टेंस
इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट करेंगे आर से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, सम पैरामीटर्स, ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग यानी वृत्तीय गति के प्रकार, वृत्तीय गति के प्रकार दो हिस्से में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक को बोला जाएगा स्टूडेंट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का स्टूडेंट्स हम लोग क्षैतिज वृत्तीय गति कहते हैं, क्षैतिज वृत्तीय गति बोलेंगे। इसे स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कहेंगे। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, ओके ये था फ्रेंड्स कैटेगरी नंबर फर्स्ट। इसको पहले तरह से हमने देखा, फिर सेकेंड में क्या देखेंगे स्टूडेंट देखे, इसी वृत्तीय गति को हम लोग सर्कुलर मोशन को फिर से दो हिस्से में डिवाइड होगा। एक को स्टूडेंट हम लोग बनेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक को बोला जाएगा स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का स्टूडेंट्स बोला जाएगा एक समान वृत्तीय गति, एक समान
देती है गति। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोला जाएगा स्टूडेंट्स असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। टाइप नंबर सी में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, सर्कुलर मोशन एक तरफ से स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और एक तरफ बोला जाएगा स्टूडेंट्स डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग यानी सर्कुलर मोशन के स्टडी किया जाएगा विदाउट फोर्स, विदाउट फोर्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स स्टडी किया जाएगा विथ फोर्स के साथ, विथ फोर्स यानी बिना बल के और यह बल के साथ किया जाएगा, बिना बल के साथ यदि स्टूडेंट्स हम लोग सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे तो वह कहलाता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और बल के साथ यदि गति की स्टडी किया जाए तो उसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन, बल के साथ। ओके तो फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ पैरामीटर्स होते हैं पैरामीटर्स होते हैं सर्कुलर मोशन के, पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन कौन कौन से पैरामीटर्स है देखिए, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति। सेकेंड है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग। थर्ड है स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामीटर्स है जिसके आधार पे हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस को स्टडी करेंगे। ओके
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति। एंगल, ट्रेवर्स बाय पार्टिकल, इन सर्कुलर मोशन। कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। एंगल ट्रेवल्स बाय पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, या एंगल ट्रेवल्स बाय पार्टिकल इन ए स्मॉल टाइम टी। एंगल ट्रेवल्स बाय पार्टिकल इन टाइम टी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर पोजिशन। क्या बोला गया देखिए, एंगल वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा टी समय में वित्तीय गति में, वित्तीय गति में तय की गई कोण को, कोणीय स्थिति कहते हैं। कोणीय स्थिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फिक्स पॉइंट ओ है, अभी पार्टिकल पॉइंट पी पे है। इस वृत्तीय पथ पे यानी टी समय में, कितने समय में, टी समय में वो पहुंच जाता है कहाँ पर, बिंदु क्यू तक। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट जो चला गया है एंगल, इसी एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। यानी इसी थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, ओके, इसी को बोला जाएगा स्टूडेंट्स एंगुलर पोजीशन। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स पी, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा अंतिम बिंदु यानी फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु। ओके, फ्रॉम फिगर, फिगर से, फ्रॉम फिगर, फिगर से स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कि थीटा इक्वल टू या कोण इक्वल टू, कोण इक्वल टू चाप की लंबाई बटे में क्या होता है स्टूडेंट बताइए, त्रिज्या। यानी एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है स्टूडेंट देखिए, रेडियस। ये हमारा पार्ट था सर्कुलर मोशन का, देखिए ये था पॉइंट पी, ये था पॉइंट क्यू, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये लेंथ, इसे हम लोग बोल रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसको डिनोट करते हैं एल से। ये त्रिज्या है आर,
जो कि एंगल चला गया है कितना, देखे थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया, सुन देखे थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन आर। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा कोण होता है थीटा किसमें होना चाहिए, इन रेडियन, यानी एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे किसमें किया जाएगा, रेडियन के अंदर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में। अब स्टूडेंट जो कोण होता है, कोण यानी एंगल, इसको दो तरह से मेजर किया जाता है। कोण का मेजरमेंट मेजर्ड इन, मापा जाता है कौन कौन से चीज में, पहला इन डिग्री यानी डिग्री के अंदर, डिग्री में, और दूसरा जैसे एक्स डिग्री, क्या पढ़ेंगे देखे एक्स डिग्री, और दूसरा होता है इन रेडियन, रेडियन में, रेडियन में, जैसे एक्स और यहाँ पे लगा दिया सी एक्स रेडियन। अब यहाँ पे दोनों में संबंध क्या है, संबंध यानी रिलेशन, संबंध यानी रिलेशन क्या है देखे, तो रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री, और एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। यस स्टूडेंट्स, रिलेशन होता है एक डिग्री का किसमें कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में, और रेडियन को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ओके यदि स्टूडेंट्स इफ अ पार्टिकल, एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ अ पार्टिकल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर पाथ, देन जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, और करके लिख देता हूँ, और 360 डिग्री। यदि कोई वस्तु पूर्ण एक चक्कर वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु पूर्ण एक चक्कर वृत्तीय पथ पर लगाता है, तब जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के डेफिनेशंस को देखा, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट को कवर किया,
स्थिति को। ओके स्टूडेंट्स, कोणीय स्थिति यानी थीटा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।